गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको मेरी कैंपिंग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज रात ही होगी थी यहाँ आते आते, और ये जो कैंप रहने वाला है आज का, वो रहने वाला है सोलो। और देख सकते हैं क्या प्यारी हवा चली भाई। तो बहुत अच्छी लोकेशन पे मैं हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी सूरज की लालिमा दिख रही है, वो सामने अल्मोड़ा दिख रहा है, और सामने कुछ गांव दिख रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए फटाफट से सेट करते हैं टेंट, और इसके बाद बढ़िया एक चाय पीते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। यहाँ से बढ़िया अल्मोड़ा देखते हैं थोड़ी देर, और यहाँ पे रोड भी है सामने, गाड़ियाँ आते जाते हुए दिख रही हैं। तो भाई लोग, आज का जो सेटअप था वो काफ़ी भारी था लाने के लिए। बैग बहुत भारी हो चुका था, क्यों? क्योंकि आज हम लाए हैं ये, तो छोटी गैस हम पे थी नहीं अवेलेबल, तो मैं बड़ी गैस ला गया था। अच्छा हुआ, इसमें ज़्यादा गैस नहीं है, 2-3 लीटर ही है, और 5 लीटर का टोटल है, मगर इसमें बैग बहुत भारी कर दिया भाई, तो बिल्कुल कंधा दर्द कर दिया इसने। तो के दोस्तों, शाम हो चुकी है, और शाम के बज चुके हैं लगभग 7, और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये लाइट डिकैथलॉन की है, केचुआ ब्रांड की। तो आज ही परचेस की है, शाम ही को आई है, तो आज इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी साथ ही साथ। तो काफ़ी अच्छी लाइट है, और प्यार करते रहिए आप लोग, ऐसी सपोर्ट करते रहिए, ऐसी सामान जुड़ेगा धीरे धीरे, और अच्छी कैंपिंग वीडियोज़ मैं लाऊँगा। अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं, ठंडा भी होने लग गया है अभी, तो अब जाएंगे थोड़ा टॉप की ओर, और टॉप में करेंगे कैंपिंग। तो आप लोग सपोर्ट करें यार दिल से ना, इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, थोड़ा चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद कीजिए। धीरे धीरे करके अच्छी कैंपिंग की तरफ को जाऊँगा। तो खैर, सेट करते हैं टेंट। मुझे भी नहीं पता कैसी लाइट है, बट रिव्यू बहुत अच्छे हैं इसके। ठीक है भाई, अच्छी लग रही है। ये है भाइयों मैट, अंदर का सेटअप कर लेते हैं पूरा। लगभग 3-4 किलोमीटर में चल के आ रखा हूँगा ऊपर, 4 भी नहीं बोल सकते, 2-3 किलोमीटर चल के आ रखा हूँगा। 3 किलोमीटर दूर हूँ आज मैं, और यहाँ से रोड दिख रही भाई सामने, दिखाता हूँ आपको। ये तो हो गया हेड मामला सोने का,
अब करते हैं मामला खाने का। तो दोस्तों फिलहाल स्टार्टिंग सेब से करते हैं। एक सेब लाया था मैं और सेब खाते हैं और बढ़िया सामने प्यारा अनमोड़ा दिख रहा और यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती दिख रही, थोड़ा यहाँ से बढ़िया व्यू का आनंद लेते हैं। वो सामने गाड़ी चल रही है दोस्तों, देखो दिख रहा, ओके। तो ठंडा होना भी शुरू हो चुका है अब और भाई पाला भी स्टार्ट हो चुका है। तो बनाते हैं कुछ खाना फटाफट से। फिलहाल हमारे पास है आलू प्याज, दोस्तों आज तो चांद भी नज़र नहीं आ रहा, और दिन तो चांद नज़र आता था, आज तो चांद भी नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों सबसे पहले आलू धो लेते हैं हम लोग। पानी जो है आसपास नहीं फेंकेंगे, ओके। तो प्याज काट देते हैं, समय भी हो चुका है काफ़ी। भाई हल्के से बनाते पकौड़े, थोड़े थोड़े ना, पकौड़े नहीं कह सकते इनको, चिप्स टाइप के बनाते हैं हल्के हल्के, बिल्कुल क्रंची वाले चिप्स बनाएंगे एकदम। तेल डाल देते हैं क्योंकि गर्म हो चुका है पैन। तो भाई जब तक तेल गर्म हो रहा तब तक मैरिनेशन कर देता है, इसमें लेयर बना देता है एक। दोस्तों अब पर ये मिर्ची की, तो हल्का सा मिर्ची भी डाल देंगे इसमें, और थोड़ा जी पा लेते हैं धनिया पाउडर, पाउडर थोड़ा इसमें पाएंगे, नमक ठीचू इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे हल्का। भाई कोशिश कर ली है मैंने कि सब तक मसाले लग जाएं,
अच्छा डाल लेंगे इसको। तो पहले राउंड में इतने आ सकते हैं, इतने डालते हैं इसमें। तो दोस्तों इंतजार चल रहा है कब पकता है करके, करारा बनाना है बिल्कुल। अगर पकौड़ी जैसा बनाना होता तो अभी तक का बन जाता, पर जरा क्रिस्पी चाहिए, तो क्रिस्पी में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा राउंड के लिए तैयार है, डाल देते हैं। तेल अच्छे से निकाल देते ना इसका। तो दोस्तों ऐसे कुछ बने हैं, बढ़िया। आवाज सुनाऊं, सुन पा रहे हो? ऊपर से नमक मिर्च डाल दिया है, तो भाई क्या ही कहना, गर्म हो चुका है तेल ऑलरेडी। दोस्तों डाल लेते इसमें टमाटर सभी लोगों को पता है कि हम टमाटर डालने के बाद क्या डालते हैं, कमेंट करके बता दो, मैं नहीं कहूँगा। हल्का से डालूंगा टेस्ट के अकॉर्डिंग बस। तो दोस्तों हमारे पास है अंडा, आज बनाएंगे अंडा मैगी। ठीक है, देख लेते हैं पहले अंडा खराब तो नहीं है, खराब तो नहीं है भाई, डाल देते हैं फिर इसको। बिना देर किए डाल देते हैं इसमें मैगी। अरे डाल देते हैं इसमें दूसरी मैगी। ठीक, ये पड़ गए इसमें मैगी मसाले। थोड़ा सी हल्दी पड़ गई, थोड़ा सा मिर्च आएगी, थोड़ा सा पड़ जाएगा पानी। पहले डाला है तो नमक नहीं डालेंगे। तो भाई हो चुका है और अब बारी है खाने की, गर्मा गर्म खाते हैं इसको। ओके रिपोर्ट, मैगी बहुत बढ़िया बनी है। नाक से भी पानी आ रहा दोस्तों, ठंडी इतनी लग रही है।
ओके दोस्तों, तो रात बहुत हो चुकी है, रात को समथिंग बज गया 12, और अब समय है सोने का। आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम आप सभी को। मिलते हैं कल सुबह आपसे, गुड नाइट दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।